देखिए इंडिया का जो है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली जो है टेम्परेचर इज वेरी बिकम वेरी हाई। क्यों हो रहा है भाई ये? देखिए 52 डिग्री लगभग जो है कि दिल्ली वगैरह में है, 29 मई 2024 को रिकॉर्ड किया गया है। जो हरियाणा में अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस है गर्मी का, जो है कि अदर स्टेट में जैसे हो गया ओडिशा में अराउंड 47-48% है ना, और झारखंड भी अराउंड 45% है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 45 है। और इतना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है कि इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों है? और नॉट ओनली इसका टेम्परेचर है, इसके लिए लगभग दिल्ली में जो है कि बहुत सारे ऐसे हादसा हो गए हैं, लगभग 4 से 5 केस आ चुका है एज पर द न्यूज़। और दूसरा जो सनस्ट्रोक से जो डेथ है कि ओडिशा में लगभग 18 आदमी का डेथ हो चुका है, और झारखंड में लगभग 4 से 5 आदमी का डेथ हो चुका है एज पर द न्यूज़। जो है कि इतना है टेम्परेचर बढ़ गया है, वे विकसित हो गए हैं जानवर, विकसित हो गए हैं है इंसान तो छोड़िए। देखिए जानवर जो होते हैं, एनिमल्स आर द मोर 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 द एथिकल देन द ह्यूमन बींग्स। हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और जो है कि एनिमल्स के बारे में सोच नहीं रहे हैं, दे आर मोर एथिकल देन अस। भाई क्यों हो रहा है ये? तो हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल हम लोग सोचेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन जो है, करंट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज अराउंड 144 करोड्स, 144 करोड़ की पॉपुलेशन है ना। वेरी वंडर टू नो अबाउट दिस। टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन अराउंड जो है कि 8 करोड़, 800 करोड़ है, 800 करोड़। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है टोटल 144 करोड़, जो है कि चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है ना। और उससे जो जो है कि टोटल लैंड जो है हम लोग का जो है कि अराउंड 29,73,000 किलोमीटर है, स्क्वायर माइल्स है जो लैंड है ना। और 17.76% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि 17 से 18% जो है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है इंडिया का है ना। एंड 36% अराउंड जो है पॉपुलेशन अर्बन में आदमी रहता है, अर्बन मतलब सिटी में रहता है। और सबसे बड़ा बात है, देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यंगेस्ट कंट्री है। तो मीडियम एज जो है कि अराउंड 28 से 30 का ये बीच में है। सो इंडिया जो है यूथ है, रिच यूथ है, 420 मिलियन जो है कि टोटल जो है कि 440 बोल सकते हो, 420 करोड़ जो पॉपुलेशन में 29% पॉपुलेशन इज यूथ, एंड 1.2 बिलियन मीन्स 120 करोड़ जो है एज है, जो 15 से 24 है वर्ल्ड का पॉपुलेशन का। तो यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ये जो है कि पॉपुलेशन जो है कि इसको अवेयरनेस के लिए। और इसीलिए जो है 5 जून इज द एनवायरनमेंट डे, 5 जून को जो है हम लोग एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के लिए यंग यूथ के लिए है, ताकि ये उन लोग को जान सके कि कितना इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में। टोटल फॉरेस्ट का जो है, ग्लोबल फॉरेस्ट वर्ल्ड जो है चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। और टोटल ट्री काटा जा रहा है, तो 4,14,000 हेक्टेयर का जो है कि डी प्लांटेशन किया जा चुका है। ग्लोबल फॉरेस्ट जो है कि टेक हिसाब से जो है कि इतना जो है कि 18% जो है टोटल का लॉस हुआ है ना, पिछले साल 23 में, 2002 से 2023 तक। ये डाटा जो है कि ऐसे डाटा नहीं है, ये डाटा जो है कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन का ही डाटा है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल अभी समझेंगे कि क्या क्या रीजन है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन जो है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या क्या रीजन है इसका। सो देयर आर डिफरेंट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कॉज और इफेक्ट क्या क्या है? तो जनरली क्या क्या कॉज है भाई? जनरल पावर, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा जो है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना, कोल का यूज़ करना भाई, ऑयल का यूज़ करना, गैस का यूज़ करना, सो है। सो इससे क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है? हम लोग जो है कि इसे जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पावर जनरेशन होता है। जो हम देख घर में नहीं रहते, स्विच ऑन करके लाइट रखते हैं या पंखा चलता है, एसी चलता है, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि भाई पावर का कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा है, कोयला ज़्यादा जल रहा है, 56% अराउंड जो है, 50-56% एनर्जी ओनली कोल। तो कोयला जब जल रहा है तो कार्बन इमिशन हो रहा है,
है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि एटमोसफेयर में जा रहा है वो हम लोग का ओजन लेयर को जो है कि हार्म पहुंचा रहा है, वो हम लोग को इनडायरेक्टली हार्म कर रहा है। तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए, कोई और जिम्मेदार नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। सेकेंड चीज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बार बार बढ़ रहा है ना। मैंने आपको जो बताया 800 करोड़ का पॉपुलेशन है, 144 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा माने क्यों, आदमी खाएगा ज़्यादा है ना, तो प्रोडक्ट यूज ज़्यादा करेगा, तब उसके लिए क्या हो रहा है भाई, जो है कि हार्म जो है केमिकल सब फैक्ट्री से यूज हो रहा है और वो सब जो है कि प्रदूषण फैला रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब अदर पोल्यूशन आर देयर। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स इज द मेजर रीजन। सेकेंड है कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है भाई, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, आदमी रहेगा कहाँ भाई, जंगल काटे जा रहे हैं, आदमी जो है कि रहने के लिए जगह नहीं है भाई, सिटी पे सिटी बनते जा रहे हैं भाई, डेवलपमेंट होते जा रहा है, लेकिन आदमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए तो करंट जनरेशन के बारे में सोचो, इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचा जाए, बट इट इज नॉट हैपनिंग इन द सम टाइम, बट बहुत जगह में हो रहा है, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द सम पार्ट ऑफ इट एंड सम एरिया इट इज नॉट देयर। तो कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज द मेजर रीजन। अप्रॉक्स जो है कि 12 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ है, टोटल लास्ट ईच ईयर जो है 12 मिलियन हेक्टेयर जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन का ही रिपोर्ट है, मैं भी अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, एज पर द रिकॉर्ड है। यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिंबल अपना कार, एक आदमी जा रहा है अपना कार यूज करके जा रहा है भाई, कार्बन इमिशन हो रहा है उसमें, हो रहा है नहीं, इससे ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा फैसिलिटी होता है तो हम लोग उसको यूज़ करना चाहिए, बट ये हो नहीं रहा, इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, दैट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन। सेकेंड, प्रोडक्ट प्रोड्यूस और प्रोडक्शन ऑफ द फूड भाई, आदमी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा क्या फर्टिलाइजर का यूज होगा, तो इनफर्टिलिटी भी हो रहा है ड्यू टू दैट, इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉयल भाई, आदमी का खाने का तरीका गलत हो रहा है, द वे यू आर टेकिंग द फूड, द थिंग्स यू आर टेकिंग द फूड भाई, उससे ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सॉयल का जो है कि जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रहा है। ऑल ऑफ द मेकिंग गुड फूड प्रोडक्शन मेजर कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इमिशंस ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर रीजन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फूड के लिए जो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पावर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रहा है ना, घर काट रहा है, तो जानवर भी जो है कि छोड़ के आ जा रहे हैं टाउन में, क्यों आ रहे हैं भाई, उनका घर आप उजाड़ रहे हो तो कहाँ रहेंगे भाई, आएंगे ही आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर आएंगे, उनको जो रहने का खाने का व्यवस्था नहीं है भाई, पेड़ काट दे रहे हो भाई, बंदर कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, उसके पास फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, आप काट के घर बना दिए हो वहाँ पर, अपना जाके सब जो है कि जंगल काट के साफ कर दिए हो, क्या करेंगे। सो मेजर रीजन इज दैट द पॉपुलेशन इज द मेजर रीजन वेयर इट नीड्स टू बी कंट्रोल। सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हम लोग देखें क्या क्या रीजन है क्लाइमेट चेंज का, हम लोग देखते हैं इसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हॉट टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बता दिया 52 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का है, अदर स्टेट में जो है कि 45 टू 50 आ रहा है, और इट इज क्रॉस मोर देन रही है, जो पहले 1992-91 में जो है टेम्परेचर इज अराउंड 17-20% होता था, है ना, अभी जो है कि कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, जो 17-20% सेल्सियस था, अभी जो 40-50 अबाउट 50 भी क्रॉस कर गया, दरअसल उससे सनस्ट्रोक हो रहा है, आदमी मर रहे हैं। सो हॉट टेम्परेचर इज देयर, आदमी यूज कर रहा है एसी, सो 1980s वगैरह में कितना था प्रोडक्ट जो है कि टेम्परेचर, यही मैंने आपको जो बताया अराउंड जो 15% 20 डिग्री सेल्सियस था, अभी जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लेशियस फिगल रहे हैं, द ग्लेशियस जो हो रहे हैं जो बर्फ़ हैं वो जो ज़्यादा पिघल रहा है, वो आके क्या हो नदी का जो है कि बहाव बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
जो बहुत ज्यादा स्टॉर्म होने से क्या है, डेस्ट्रो हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जगह जो है कि आप कोलकाता देखोगे, उड़ीसा देखो, दी जाता सम स्टेट द वेस्ट बंगाल एंड द कोलकाता द मोर द इफेक्टेड आर द सम अदर पार्ट ऑफ द केरल, सो सम इज द पार्ट ऑफ द केरल, सो जो है कि द कोस्टल एरियाज है वहाँ पर स्टॉर्म ज़्यादा आ रहा है भाई, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड हो रहा है भाई, जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा पानी आ रहा है भाई, बे टाइम में बारिश हो रहा है, बे टाइम में जो है कि गर्मी हो रहा है, ठंडा आ रहा है, दिस आर द सम ऑफ द रीजन भाई। क्लाइमेट चेंज से ये सब बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है इंडिया के, नॉट ओनली इंडिया फॉर द पॉपुलेशन ऑल्सो। सेकंड इंक्रीज इन द ड्रॉट भाई, ऑन हम लोग जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या हो रहा है भाई, मिट्टी का जो है कि उजाने का शक्ति कम हो जा रहा है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूसिंग, सो इससे क्या हो रहा है, ड्रॉट होने का चांसेस ज़्यादा है, भुखमरी होने का चांसेस ज़्यादा है भाई, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, यूज ऑफ द पॉलीथीन, तो ये अवेयरनेस होना चाहिए आदमी में। पॉपुलेशन शुड यंग पीपल शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ डिड दिस कैन बी हैपन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल। वार्म रेजिंग अप जो है कि ग्रीन हाउस जो एमिशंस हो रहा है, जो गैस है, जो टॉक्सिक गैस है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू यू कैन से पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, इससे हार्म हो रहा है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। हेल्थ के लिए जो है कि ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, पॉवर्टी और मे बी डिस्प्लेसमेंट है, फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ESG गाइडलाइन वगैरह आ रहा है। ESG तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल जो है कि ग्रोथ होना चाहिए भाई, देखिए जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एनवायरमेंट को बिना हार्म पहुँचाए उतना ही प्रोडक्शन किया जाए। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या होता है भाई, फ्यूचर के लिए आप जो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो या कोई भी चीज़ हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ चीज़ रखो, खाली अपने कंजम्पशन मत करो, तो ऐसा बहुत जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, दैट रिसोर्सेज शुड बी कीप फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, इट इज़ नॉट दैट द ऑल द रिसोर्सेज शुड बी कंज्यूम बाय द प्रेजेंट पर्सन हु आर लिविंग इन द अर्थ, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अगर वो नहीं रहेगा व्हाट दे विल सर्वाइव भाई। पैसा आप रखते हो अपने लिए तो अपने जनरेशन के लिए भी रखते हो, सिमिलरली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज़ करना है भाई, फॉसिल फ्यूल के जगह में जो है कि सोलर और वाटर पावर को ज़्यादा यूज़ करना है, दैट इज़ द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर पानी ज़्यादा यूज़ करोगे और पानी से आप बिजली ज़्यादा उत्पन्न करोगे, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर पावर फ्रॉम द वाटर दैट इट इज़ गुड, सोलर प्लांट बैठा जाए। नाउ मेनी ऑफ द कंपनी जैसे NTPC, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, दे आर टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव फॉर द ग्रीन एनर्जी, सो ग्रीन एनर्जी यूजिंग द लेस एमिशन ऑफ कोल एंड दे शुड बी मोर प्रोड्यूस ऑन द सोलर एंड अदर एवेन्यू, सो व्हाट विल हैपन, नेचुरली द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन द अर्थ विल बी रिड्यूस और द पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज, सो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट एंड दिस अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सो काइंडली एट टू प्लांट्स जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में दो प्लांट्स जो है कि आपने लगाए, अपना घर का पास में मिले, रोड में मिले और कहीं भी बगान है कहीं पर भी, दो प्लांट जो है अपने, एक जो है अपने लिए कि दो, मैंने वो इसलिए बोला एक अपने लिए, दूसरा जो है आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो हर एक आदमी एक 145 करोड़ जो है कि जनता है पूरा इंडिया का, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट दो पेड़ जो कि 5 मई 2024 में पेड़ लगाएं, जो कि मैं हर एक साल लगाता हूं 1 से 2 पेड़, तो सिमिलरली मैं बोलूंगा हर एक साल, ये में अगर महीना में हो तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट साल में 2 पेड़ लगाएं और उसको ग्रो भी कराएं, खाली पेड़ लगाना नहीं है उसको ग्रो करने के तरीके क्या करें, जस्ट लाइक इट्स बेबी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ओके करें, तब जो है कि ये बहुत ही अच्छा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, टेम्परेचर का कंट्रोल हो पाएगा, ग्लेशियर्स जो है पिघल के नीचे नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे द्वीप थे है ना, मालदीव वगैरह बहुत सारे अलग बहुत सारे ऐसे पानी में वो समंदर में वो डूब गया है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे, समुंदर का जो वाटर लेवल है, देखिए 375% ऑफ द वाटर इज ऑनली सी, आपको पता ही है, अगर जो जानते हैं बहुत अच्छा बात है, और जो क्या है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे और वो जो दीप टोटली डेस्ट होने के कगार में है, और ग्राउंड वाटर जो है कि बहुत डिफिकल्ट है, ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम करें, सेव वाटर,
सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। तो इंटरनेशनल जो है कोऑपरेशन हो रहा है, वर्ल्ड लेवल में भी जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस है। सो फॉर दैट देर आर मेनी एग्रीमेंट्स हैज बीन डन बाय द डिफरेंट कंट्री ऑल्सो, जस्ट लाइक पेरिस एग्रीमेंट, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशंस एंड क्लाइमेट एम्बिशन समिट, COPS क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, यूथ एडवाइजरी ग्रुप, देर आर फॉर द यूथ देर एक्शन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्रोथ एंड गोल। सो देर आर द सम इनिशिएटिव टेकन बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड लेवल, सो दे आर टेकिंग इनिशिएटिव, ESG गाइडलाइंस आर देयर, द BISR रिपोर्टिंग इज देयर, ओनली फाइनेंशियल फिगर इज नॉट एनफ टू द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, सो देयर इज सम अदर CSR एक्टिविटीज हैज बीन डन कैरी डन बाय द वेरियस कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो जो कि जहाँ पर जैसे कोल इंडस्ट्रीज वगैरह है, सो दे आर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, जैसे वन को वाटर सप्लाई, स्किल डेवलपमेंट करना, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देना, सो दैट व्हाट हैपन द लोकल पीपल विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। सिमिलरली जो है ESG एनवायरमेंट के बारे में है, जो कि कोल बहुत सारे ऐसे डस्ट एरिया है वहाँ पर वाटर सप्रेशन किया जा रहा है, स्प्रिंकल लगाए जा रहे हैं, और जो है कि पानी को बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एयर को जो है कि एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं जाने के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पर पानी स्प्रे कर दिया जा रहा है। सो देयर आर द सम इनिशिएटिव टेकन एंड देयर आर आल्सो देयर आर सम अदर टेक्निक्स दे आर यूजिंग, देन दे आर यूजिंग द कन्वेयर बेल्ट्स भाई रोड ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करने के लिए, डायरेक्टली माइंस से जो है कि कन्वेयर बेल्ट जो है कि हॉपर तक जा रहा है, क्रॉसिंग होकर कोयला जो है कि डायरेक्टली लोड हो रहा है ट्रेन में। सो देयर आर द सम कॉन्सेप्ट दे आर टेकिंग इनिशिएटिव। यूथ हैज प्ले वेरी गुड रोल in the environment and climate change control. So secretary of the general youth advisory group on climate change provide him the various practical and outcome focus of the various activities and prospect of the recommendation with a clear focus and improving the climate and agenda also. And various of the United Nations first ever system wide youth strategy, youth 2030. The outcome of this advisory group, the mechanical and secretarial general directed the young people of the organization work a global climate action. They should think about the global climate changes and 17 sustainable development goals should they should aware about. The hunger, poverty should be reduced. Clean environment should be there, for you should take initiative. And the youth advisory group started in the 16 months 2013. So youth have the very good energy. They can understand the concept of the sustainable development, and that will be help for the society. And they should keep the resources properly, and they use the resources properly, and they should use the renewable source of energy rather than the all the natural resources they should use, and only this water and air they should use, and the use the electricity. So my request all of the earth people, sabse mera ek anurodh hai, all should keep very less use of electricity whenever you go outside from the room. So switch off the light, switch off the fan, switch off the AC, and use less water. There are various way. आप जो बाथरूम में यूज़ करते हो वाटर, उसको बाथरूम में जो ड्रेन में मत फेंको, यूज इन द टॉयलेट्स ऑल्सो। देर इन जापान ऑल्सो यू कैन सी हाउ द वाटर हैज बीन कंजर्वेटेड बाय देम, वेरियस टेक्निक दे आर यूजिंग द फ्लैश थ्रू द वाट एवर द बेसिन द वाटर दे आर गेटिंग दैट विल बी यूजिंग द फ्लैश सिस्टम। एसी का जो पानी है, बहुत सारे पानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं एसी का जो पानी है उसको जो है कि बहुत सारे ऐसे जगह पे जो है कि कंजर्वेटिव करके एक टंकी बनाया गया, और दैट वाटर इज यूज इन द फ्लैशिंग इन द बाथरूम भाई, बाथरूम जाने में जो फ्लैश करने में वही वाटर को बहुत सारे जो कंजर्वेटिव सिस्टम में जो है कि वाटर प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो देयर आर मेनी टेक्निक्स, और बहुत सारे ऐसे है कि पानी कम यूज करके जो है कि ड्राई टेक्नोलॉजी इज देयर, है ना, तो उसको यूज़ करिए और फ्यूचर जो है कि एनवायरनमेंट को बचाइए, प्रोटेक्ट करिए, और जो अपने आप को बचाइए तब के एनवायरनमेंट बचेगा, और एनवायरनमेंट बचेगा तो आप बचोगे।
तो इसके लिए जो है कि 5th June में अगेन में आई एम रिक्वेस्टिंग यू एटलीस्ट 2 plants यू शुड आपको जो है कि जगाना है, पेड़ लगाना है, तो आप जो प्लांट जरूर लगाएं एटलीस्ट 2 plants इन द लाइफ, एटलीस्ट साल में 1-2 plants लगाइए और एमराल्ड को प्रोटेक्ट करिए और अपने आप को बचाइए।